हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड विद प्रिया में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मकई के दाने के पकौड़े, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। मकई के दाने के पकौड़े बनाने के लिए मैंने मकई के दाने लिए हैं 1 कप, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधे नींबू का रस, तेल पकौड़ों को तलने के लिए, बेसन। सबसे पहले एक जार लेंगे और उसमें मैं मकई के दानों को डालकर पीस लूँगी। और ये मकई के दाने कच्चे हैं, आप इसे चाहे तो उबाल के भी उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। ये मकई के दाने मैंने पीस लिए हैं, इसे मैंने दरदरा पीसा है और कुछ दाने आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। अब एक बर्तन में इसे मैं निकाल लूंगी। अब हम इसमें सारे मसालों को डाल देंगे। हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा, हरी मिर्च, मिर्च हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि लाल मिर्च पाउडर मैंने इसके पहले डाला था, नमक स्वाद के अनुसार, नींबू का रस, हींग, बाइंडिंग के लिए बेसन थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम। अभी मिक्स कर लेंगे, फिर ज़रूरत होगी तो हम फिर डालेंगे। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये हमें गीला दिख रहा है बैटर हमारा, तो हम इसे इसमें बेसन डाल देंगे। सभी चीज़ें मिक्स हो गई है। अब हम हाथों से इसके इस प्रकार से थोड़ा गोला बना लेंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल को गर्म कर लिया है। तेल काफ़ी गर्म हो चुका है तो अब हम इसे मीडियम आंच पर रख देंगे और पकौड़ों को तल लेंगे। यह हमारे पकोड़े गोल्डन होने लगे हैं, इसे एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं तो दूसरी तरफ अब हम इसे पलट देंगे। देखिए, मकई के दाने पीसते वक्त अगर कुछ दाने खड़े रह जाएं तो वो जब हम पकौड़ों को बनाते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छे दिखते हैं, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारा ये पकौड़ा सुनहरा हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक टिश्यू पेपर पे भी रखकर इसे निकाल लेंगे।
ये मेरे कुरकुरे मकई के दाने के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे आप सॉस के साथ खाइए या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।